ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनसीपी को एक बड़ा झटका लगा है। मुंबई एनसीपी के अध्यक्ष सचिन आहिर आज शिवसेना का दामन थाम लिया है। हम आपको बता दें, पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी सचिन आहिर शिवसेना में जाने वाले हैं, लेकिन आज सचिन आहिर शिवसेना में प्रवेश किए हैं और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का दामन फिलहाल थाम लिया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आज सचिन आहिर ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में प्रवेश किया है। तस्वीर है शिवसेना में शामिल होने की। हालांकि विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन चुनाव करीब आते ही नेताओं की उथल पुथल शुरू हो गया है और नेता इस पार्टी से उस पार्टी में छलांग लगाना भी शुरू कर दिए हैं। एक बात और हम आपको बता दें, सचिन आहिर 1995 में दक्षिण मुंबई की सिवड़ी सीट से पहली बार निर्दलीय विधायक चुने गए थे। 1999 में वो दोबारा इस सीट से एनसीपी से जीते थे और महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बने। 2004 में भी वो एनसीपी के सीट पर विधायक चुने गए और 2009 में वर्ली सीट चुनाव जीते, लेकिन 2014 के चुनाव में सचिन को हार का सामना करना पड़ा। मैंने इसके पहले ही स्पष्ट किया, बहुत सारे लोग संपर्क में कल रात से आज सुबह भी है, लेकिन किसी को लाकर बाटी तोड़कर लाकर लाना ये नहीं है। जिसकी जिसकी इच्छा रहेगी, आगे देखिए आगे आगे होता है क्या। सचिन आहिर मुंबई में एनसीपी का बड़ा चेहरा रहे हैं और अब सचिन शिवसेना का दामन थाम लिया तो कहीं ना कहीं एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। और यही नहीं, ऐसा चर्चाएं हैं और भी एनसीपी के चेहरे हैं जो पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। जिस तरह से सचिन आहिर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के करीबी माने जाने वाले एक चेहरा है, अब उनका दामन छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।